केंद्र सरकार ने अब तक के इतिहास में पहली बार आरबीआई कानून की धारा 7 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कमजोर बैंकों के लिए नकदी मुहैया कराने, छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्ज देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नकदी जैसे मुद्दों पर आरबीआई को समाधान करने को कहा है। इसके लिए सरकार ने 3 पत्र आरबीआई को भेजे, जिसमें मामले को जल्दी से निपटाने के अलावा कार्य ढांचे में सुधार के साथ ही नकदी प्रबंधन से जुड़े अलग अलग मुद्दे थे। सरकार ने आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत परामर्श भी मांगा, जो सार्वजनिक हित के मामलों पर केंद्रीय बैंक के गवर्नर को कोई भी निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता का सम्मान किया है और इसे बढ़ावा दिया है। मंत्रालय के मुताबिक वो समय समय पर केंद्रीय बैंक से कई मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करता है। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि रिजर्व बैंक कानून के तहत आरबीआई की स्वायत्तता आवश्यक और स्वीकार्य जरूर है। भारत सरकार ने इसका सम्मान किया है और इसे बढ़ावा दिया है। मंत्रालय का मानना है कि रिजर्व बैंक और सरकार दोनों को अपनी कार्य प्रणाली में सार्वजनिक हित तथा देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान रखना होता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने विचार विमर्श के विषयों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया है और अंतिम निर्णय को ही सार्वजनिक किया जाता है। गवर्नमेंट के और सेंट्रल बैंक के कम्युनिकेशंस होते हैं और जो लेयर्स ऑफ कंसल्टेशन होता है, किस स्तर पे हुआ, कैसे हुआ, किस नेचर का हुआ, इतिहास में तो उसको बाहर कभी नहीं बतलाया जाता। आपका अधिकार है, जब निर्णय होता है उसको जानकारी लेने का, वो आपको बता दिया जाएगा। दरअसल वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मतभेद के कई कारण हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि केंद्रीय बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों का संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, साथ ही बाजार में नकदी प्रवाह की कमी को दूर करने और बिजली क्षेत्र में खराब ऋण का निपटारा भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दरअसल सरकार चाहती है कि संकटग्रस्त पावर सेक्टर को राहत दी जाए और उन्हें दिवालिया प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। सरकार ये भी चाहती है कि आरबीआई नियमों में ढील दे ताकि छोटे उद्योगों के लिए और ज्यादा लोन मिल सके। सरकार को लगता है कि ऐसा करने से अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कार्रवाई के नियमों में कुछ ढील दी जानी चाहिए ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 10,000 से ज्यादा लघु उद्योगों को और कर्ज दे सकें। अभी लघु उद्योगों का हाल बुरा है और पूंजी की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई का मानना है कि अगर पावर कंपनियों को छूट मिलती है तो हर कोई ये छूट चाहेगा। साथ ही पीसीए के नियमों में ढील देने से सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंक धड़ल्ले से स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन बांटेंगे और इस तरह एक और कर्ज संकट पैदा हो जाएगा। प्रेजेंट सिचुएशन इज दैट यू सी बोथ आर इन द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन व्यू, election is there, central government and the reserve bank has his own view, because reserve bank feels that the banking sector is not performing well because there is a shortage of capital adequacy and there is a huge non performing asset because there is the economics situation is very slow, not only because of the Indian conditions, because of the international reasons also. So Reserve Bank is saying that first we have 11 banks under the Prompt Corrective Action, the PCA, that let 11 banks, you bring it back to normal. So for bringing it normal, you require capital adequacy. For capital adequacy, the government should bring the more capital because government is the owner, majority owner, I mean more than 90% ownership of the public sector banks. So basically this is a tussle. Between these two, which should not happen, in my opinion. इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करे, लेकिन आरबीआई ने न केवल ब्याज दरों को कम करने से इनकार कर दिया बल्कि उन्हें और बढ़ाया ही। सेंट्रल गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर सम डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दे फाइंड दैट रिजर्व बैंक हैज सब्सटेंशियल रिजर्व्स and last year like the dividend of 50,000 crores were paid, they want some more dividend because they are the owners, they say that we are the owners, we should be given dividend and you have made profits, and Reserve Bank says that we, unless there is a strong balance sheet of Reserve Bank, the country will not be that strong.
सरकार और आरबीआई के बीच ये विवाद तब सामने आया जब 26 अक्टूबर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने एक बयान में रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को लेकर सरकार पर प्रश्न उठा दिए। उन्होंने कहा कि सरकार आरबीआई की आज़ादी का सम्मान करे, यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो बाजार की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इसके जवाब में 30 अक्टूबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई को देश में खराब ऋण संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई साल 2008 से 2014 के बीच बैंकों को मनमानी कर्ज देने से रोकने में नाकाम रहा और इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर में वर्तमान एनपीए संकट पैदा हुआ है। आरबीआई की अधिनियम की धारा 7 प्रबंधन से जुड़ी हुई है और आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। दरअसल सेक्शन 7 के तहत आरबीआई को निर्देश दिए जाने का मामला पहली बार तब आया जब इस साल के शुरू में इलाहाबाद हाई कोर्ट बिजली कंपनियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें कुछ बिजली उत्पादक कंपनियों ने आरबीआई के 12 फरवरी को जारी सर्कुलर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस सर्कुलर में डिफॉल्ट हो चुके लोन को रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में डालने से रोका गया है। आरबीआई ने जब बताया कि कानूनी तौर पर सरकार केंद्रीय बैंक को आदेश दे सकती है तो कोर्ट ने अगस्त महीने में जारी अपने आदेश में कहा कि सरकार ऐसा निर्देश देने पर विचार कर सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को कोर्ट के फैसले में कही गई बातों को देखते हुए सेक्शन 7 के तहत मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर 15 दिन के अंदर रिजर्व बैंक को निर्देश देने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा कि उसे आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 का इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए। यह कानून उसे गवर्नर से चर्चा करने के बाद रिजर्व बैंक को जनहित में निर्देश देने का अधिकार देता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल जरूरी होने पर ही किया जाना चाहिए और इसे लेकर मनमानी नहीं होनी चाहिए। I don't think that is that crucial. खास इसमें तो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो तो होता रहता है। कभी कभी अगर दो लोगों के होते हैं तो कभी कभी कुछ चर्चा होगी, मगर अभी तो हमारी सिस्टम काफी स्टेबल है। अगर इतिहास की बात करें तो आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्ट 1946 और कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1945 के प्रावधानों को मिलाकर एक मसौदा तैयार किया था जिसमें केंद्र को आरबीआई को निर्देश देने की शक्ति दी गई है। हालांकि इसमें कहा गया है कि जब सरकार आरबीआई के गवर्नर की सलाह के खिलाफ काम करने का फैसला ले ले तो उसे रिजर्व बैंक पर लागू होने वाली कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि उस समय सरकार इस प्रावधान के पक्ष में नहीं थी और इसे दोबारा तैयार किया गया। आरबीआई अधिनियम की धारा 7 में सरकार को सार्वजनिक हित में बैंक को निर्देश जारी करने के लिए मजबूत बनाने के उद्देश्य से 1949 में संशोधित किया गया था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वह आरबीआई और सरकार के बीच चल रहे मामलों पर निगरानी बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि वह पूरी दुनिया में केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता का समर्थन करता है। हालांकि सरकार और आरबीआई में विवाद नई बात नहीं है, पहले भी कई मौकों पर कई अलग मुद्दों पर मतभेद रहा। आमतौर पर ब्याज दर, बैंकिंग में तरलता और प्रबंधन को लेकर अलग अलग विचार रहे हैं, लेकिन अंत में हमेशा विवाद सुलझ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।